नया चीफ जस्टिस मुश्किल में क्यों? पहला बड़ा चैलेंज फैसला कुन घड़ियां, सिद्दीक जान का नया दावा सामने आ गया। सहाफी सिद्दीक जान के मुताबिक जस्टिस काजी फाजी साहब रिटायर्ड हो गए और जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जाते जाते नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुश्किल में डाल दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में लिखा है कि फुल कोर्ट की जानिब से जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की आईनी तौसीक का तायुन नहीं किया जाता या सुप्रीम कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में ऑर्डिनेंस पर अमल करने का फैसला नहीं करते या जब तक चीफ जस्टिस की सरबराही में दो सीनियर तरीन जजेस की कमेटी बहाल नहीं की जाती, मैं नई कमेटी की तरफ से बनाए गए खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। सिद्दीक जान के मुताबिक याहिया अफरीदी के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि वो अब काजी साहब के प्यारे अमीनुद्दीन को बेंच से निकाल पाएंगे कि नहीं। पिछले दिनों में जो कुछ हुआ उसमें अटॉर्नी जनरल का किरदार भी बदतरीन रहा। सिद्दीक जान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और उमर अता बंदियाल के अदवार में जस्टिस काजी फाजी साहब लेटरबाजी करते रहे। उन्होंने अदलिया को कमजोर किया और शरीफ खानदान को खुश करते रहे। उस वक्त मंसूर अली शाह भी उनके साथ शामिल थे। याहिया अफरीदी के सामने बड़ा चैलेंज यही है कि जो कुछ जस्टिस काजी ने किया उसको साफ करें।